अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरू सकल्स में एक बार फिर खुश आमदीद। दोहा में पहला दिन, पहली सुबह, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और इतनी फ्रेश एयर जो कि मैंने बहुत टाइम बाद इनहेल की, बहुत मज़ा आया। तो पहले दिन का पहला नाश्ता यहाँ के स्पेशल केक दोहा के, और चाय नॉर्मल जो पाकिस्तान में मिलती है। तो नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद मेरे फ्लैट्स के 9th फ्लोर पे जो है स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सब कुछ है, तो हम थोड़ा ऐसे व्यू भी यहाँ से अच्छा आता है तो वो देखने आ। अब हम जा रहे हैं दोहा की पहली राइड पर, मतलब शहर डिस्कवर करने। मेरे लिए बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था और मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अब मैं मियाँ पार्क देखने जाऊंगी। और भी बकेट लिस्ट में बहुत सारी लिस्ट थी, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे जाना था, तो उनमें से ये सबसे पहली थी मियाँ पार्क। यहाँ पे सिग्नल्स में काफ़ी टाइम लग जाता है और जैसे ही सिग्नल से फर्स्ट हमने टर्न किया लेफ़्ट पे, तो सामने इतना शानदार व्यू देख के ना मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मतलब इतना मज़ा आया मुझे कि मुझे वीडियो बनाने का भी होश ना रहा और मैं जो हूँ बस व्यू एंजॉय करती भी गई। और मौसम इतना अच्छा था, प्लेजेंट मौसम था, और बस मैं क्या बताऊँ अपनी फीलिंग्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। QNB की बिल्डिंग देख रहे हैं आप। QNB यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे है, वैसे यहाँ का QNB है, कतर नेशनल बैंक। और अब हम जा रहे हैं, ये एंट्रेंस है म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। ये म्यूज़ियम का भी एंट्रेंस है और मियाँ पार्क का भी एंट्रेंस है। तो हम सबसे पहले जा रहे थे म्यूज़ियम की तरफ, क्योंकि अगर वहाँ से टिकट नहीं लेते म्यूज़ियम की तो फिर बाद में देर हो जाती और शायद फिर बंद होने का टाइम हो जाता। तो पासेस एक बार होते हैं तो आप अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, पर म्यूज़ियम की वीडियो आप कल के दिन इंशाल्लाह देखेंगे। फ़िलहाल आप मियाँ पार्क एंजॉय करेंगे। मियाँ पार्क में आते ही आप तीन चीज़ों का व्यू एंजॉय करेंगे। एक मियाँ पार्क खुद, दूसरा वेस्ट बे की बिल्डिंग्स जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं मियाँ पार्क से, और वैसे भी हर जगह से ही खूबसूरत लगती हैं अगर आप अपोजिट साइड पे भी जाते हैं तब भी, और म्यूज़ियम का व्यू जो इस्लामिक आर्ट का म्यूज़ियम है जिसकी वीडियो आप कल इंशाल्लाह देखेंगे मेरे व्लॉग में। तो ये एक ऐसा मनाजर लगता है, ख़ास तौर पे बिल्कुल असर का टाइम था ये, तो असर के टाइम पे जो ये व्यू था ना, इतना क्लियर, इतनी फ्रेश एयर। कोई समंदर था ये, कोई झील या दरिया नहीं था, ये एक समंदर था और फिर भी इतना साफ़ सुथरा और बहुत ही फ्रेश एयर जगह जगह, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। फ़ीफा के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ और जगह जगह वॉशरूम्स, पानी पीने की जगह, और बहुत साफ़ सुथरा और अच्छे से जो है कॉफ़ी शॉप्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी। उनमें से एक ये भी है जहाँ से आप वेस्ट बे का पूरा व्यू इंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजर था ये मेरे लिए, कैमरा में उस
लेवल का खूबसूरती इसमें नहीं आ सकी, पर ऑनेस्टली मुझे यकीन कीजिए मुझ पर कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये जो मनाजर था ना ये प्राइस लेस था मेरे लिए। सामने ओल्ड दोहा पोर्ट था, वहाँ की भी एक वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मेरा बहुत शौक है वहाँ पे जाने का, तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। और स्पीड बोट्स तो यहाँ पे ऐसे मज़े से घूम रही थी कि जैसे हमारे साहिल समंदर पर घोड़े और ऊँट घूम रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे घूम रही थी। इन्होंने जो है फीफा के दौरान ही ये भी कैफ़े बनाया था, ये डॉम्स बने हुए थे। क्या है कि यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, जो कि लग नहीं रहा, पर ये रेगिस्तानी इलाका है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मियों के मौसम में इस तरह के डॉम्स में आप कॉफ़ी, चाय, क्रॉसों वगैरह सब कुछ इन्जॉय कर सकते हैं। ये एक पॉइंट बनाया हुआ था जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं समंदर की तरफ देख के, वेस्ट बे की तरफ देख के। और यह पूरा चक्कर मैंने पूरा खा लिया था, मतलब पूरा जो एक ट्रैक था वहाँ से मैं आ चुकी थी। तो अब मैं जा रही हूँ मियाँ पार्क के टॉप पॉइंट पे, जहाँ पे मोस्टली लोग पिकनिक्स मनाने आते हैं, और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। हालांकि वीकेंड नहीं था, बट फिर भी लोग यहाँ पे वीकेंड्स के अलावा भी टाइम निकाल के आते हैं थोड़ा एंजॉय करने। और एक छोटा सा क्विक आपको 360 व्यू देते हुए फ़लस्तीन का झंडा लेके बच्चा खड़ा हुआ था। यहाँ पे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन को, और मतलब हर एक बिल्डिंग पे जो है फ़लस्तीन के फ्लैग्स होते हैं फ्री फ़लस्तीन के नाम से। तो हम सनसेट एंजॉय करने के लिए एक सूटेबल जगह जो है तलाश कर रहे थे, तो हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि बहुत रश था। और ढूंढते ढूंढते हमें मैरी गो राउंड मिल गया जो कि बंद था, पर इसको देख के इब्राहिम बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो गया और कहने लगा कि मुझे यहाँ पे जाना है, बट वो बंद था। तो जी यहाँ पे जो है एक इंडियन फूड कार्ट के नाम से एक फूड ट्रक था, जैसे हम ईट स्ट्रीट में मैं देखा करती थी पहले, नेशनल ज्योग्राफिक पे एक आता था शो ईट स्ट्रीट, तो वैसे ही यहाँ पे जो है किनारे पे सारे ऐसे फूड कार्ट्स लगे हुए थे। वहाँ पे हमें जगह मिली नहीं फूड कार्ट के बाहर, तो यहाँ पे एक बेंच था जहाँ पे हम आके बैठे और हमने चाय और चाट ऑर्डर की जो कि बहुत ही मज़ेदार थी, और सनसेट को इन्जॉय कर रहे थे। तो जी कचौरी चाट कुछ ऐसी थी, कराची के लिहाज से बहुत ही ऑफ चाट थी, पर वैसे गुजारे लाइक अच्छी थी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।